हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ और एक केक की नया रेसिपी शेयर करूंगी। तो अगर हम लोग कोई भी केक बनाते हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी भी ओकेजन के लिए केक बनाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज अगर हम लोगों का ठीक ठाक नहीं हुआ तो केक कैसे ठीक ठाक होगा। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ स्पॉन्ज की परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो केक बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी काम होता है वो है केक टिन को रेडी कर लेना। तो इधर मैंने 6 इंच का एक एल्यूमिनियम का केक टिन लिया हूँ और उसमें मैं रिफाइंड ऑयल दे के अच्छी तरह से पूरे केक टिन में ग्रीस कर लूँगी। तो आप लोग भी यूज़ करो रिफाइंड ऑयल, आई मीन विदाउट फ्लेवर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो मैं केक टिन में ऑयल दे के अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया और उसके हिसाब से बस एक नॉर्मल सा वाइट पेपर काट करके रखी थी, उस पेपर को बिठा के फिर उसके ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल दे के ग्रीस कर लिया। तो हमारा केक टिन पूरा रेडी है, आप लोग देख सकते हो। तो अब आता है नेक्स्ट। तो अब इधर एक बाउल में मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया हूँ मैदा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच जैसा बेकिंग सोडा। इन तीनों चीज़ों को अब मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी और इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह है, तो इसलिए, नहीं तो केक हमारा फूलेगा नहीं बाद में। तो अब मैं इधर एक दूसरे बाउल में लिया हूँ दोनों अंडा। तो अंडा को पहले मैं इस तरीके से फटा लूँगी और फटाने के बाद मैं इधर ऐड करूँगी चीनी। तो आप लोग देख सकते हो मैं छोटा कप वाला कप में 1 कप जैसा चीनी लिया हूँ और चीनी मैंने नॉर्मल चीनी यूज़ किया हूँ, कोई पिसा हुआ चीनी नहीं, आई मीन शुगर पाउडर नहीं। और मैं 1/2 चम्मच जैसा वेनिला एसेंस ऐड किया क्योंकि मेरा वेनिला एसेंस का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए। और इधर अब मैं हाई स्पीड में बीटर को हाई स्पीड में रख के इसको बीट कर लूँगी लगभग 5 से 10 मिनट तक। तो आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे एक फ्लफ़ी होते जा रही है। तो जिस टाइम ये पूरे तरह से फ्लफ़ी हो जाएगा उस टाइम बीटर को मैं बंद कर दूँगी। तो आप लोग देख ही सकते हो। तो लगभग मैं इसको 10 मिनट तक इसको हाई स्पीड में बीट कर लिया और इसको हाई स्पीड में बीट करना है लगभग 10 मिनट तक। तो आप लोग देख सकते हो जितना फ्लफी होगा, आई मीन पूरे तरह से फ्लफी अगर बन जाए तो आप लोग बंद कर दोगे। तो ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें यूज़ करूँगी रिफाइंड ऑयल। तो लगभग 1/4 कप जैसा मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ किया इसमें ऐड करके, फिर इसके साथ मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो इस तरीके से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें जो ड्राई इंग्रीडियंट्स पहले से करके रखी थी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा के, तो उस ड्राई इंग्रीडियंट्स मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाऊंगी, फिर मिक्स करते जाऊंगी। पूरी ड्राई इंग्रीडियंट्स एक साथ मैं नहीं ऐड करूंगी और नहीं मिक्स करूंगी क्योंकि इसमें हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोरों से रगड़ लो तो हमारा केक बाद में फूलेगा नहीं, तो इसलिए मैं हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। तो ड्राई इंग्रीडियंट्स को मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लिया और हल्के हाथों से मिक्स करते गया और 2-3 बार में इसको ऐड करते गया। तो इस तरीक़े से इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है और कंसिस्टेंसी अगर बहुत थिक लगा तो इसमें आप लोग दूध या पानी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई कोई लोग बोलते हैं कि पानी नहीं ऐड करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि आप लोगों के पास अगर दूध नहीं रहे तो आप लोग पानी पे भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ पानी से शेयर करूँगी केक बनाना। तो ये मेरा थिक लग रही है तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा पानी, ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच जैसा मैं पानी ऐड करूँगी और इसका कंसिस्टेंसी मैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ले आऊँगी। तो देख सकते हो 2-3 चम्मच जैसा ही मैं पानी ऐड किया और इसको और एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। हल्का हाथों से मिक्स करना है इसको, ज़्यादा ज़रूर से रगड़ना नहीं। तो परफेक्ट मेरा बैटर कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो केक टिन तो पहले से रेडी करके रखी थी, अब मैं बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर दूँगी और ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा टैप कर लूँगी। टैप करने से क्या हुआ, कोई एयर बबल अगर रहेगा तो सारे निकल जाएगा। और इधर मैं 10 मिनट पहले कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए दी थी गैस के ऊपर, और गैस के फ्लेम हमेशा लो रखना है। और कढ़ाई के ऊपर मैं एक पतीला भी रख दिया। तो अब उसके ऊपर मैं केक टिन को बिठा के इसको ऐसे ही ढक दूंगी लगभग 30 मिनट तक। तो आप लोग 30 या 45 मिनट बाद चेक कर सकते हो। तो लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ केक कैसा कुक हुआ है। तो देख ही सकते हो केक बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और बहुत सॉफ्ट भी दिख रही है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इसको गैस से निकल के इसको लगभग
आधा घंटा तक ठंडा कर लिया। तो ठंडा करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं नाइफ से इसका साइड छुड़ा लूँगी और साइड छुड़ाने में ये क्या होगा, आसानी से केक टिन से निकल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और केक हमारा टूट भी नहीं जाएगा। तो अब इसके ऊपर मैं एक प्लेट बिठा के फिर इसको डिमोल्ड कर लूँगी, आई मीन केक टिन को उल्टा कर लूँगी और ऊपर से थोड़ा टैप करके केक टिन को निकाल लूँगी। तो अब इसके ऊपर जो पेपर मैंने रखी थी, आई मीन केक में नीचे, केक के नीचे जो पेपर रखी थी उस पेपर को छुड़ा लूँगी इस तरीके से। तो देख सकते हो कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो केक बनाने के लिए पूरे परफेक्ट केक बन के रेडी हुआ है, स्पंज वाला केक। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।